नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घमौरी के लिए बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चल सके कि आपको इस घरेलू उपाय को कैसे करना है और कैसे उपयोग करना है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मी आ चुकी है, गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है घमौरियों की। घमौरियाँ जब शरीर में हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है और जलन होती है और चुभन होती है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप बहुत से प्रकार के पाउडर यूज करते हैं जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी पाउडर से आराम नहीं मिलता है। तो एक बार इस घरेलू उपाय का भी प्रयोग करके देखिए, शायद आपको आराम मिल जाए। घमौरियाँ होती हैं जब हम चिलचिलाते धूप में निकलते हैं तो धूप से गर्मी होती है और गर्मी से बहुत ज़्यादा पसीना हो जाती है। पसीना जब सूख जाती है तो हमें लगता है कि अब गर्मी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी ग्रंथियां बंद हो जाती हैं जिसके कारण से शरीर में लाल लाल दाने टाइप के घमौरियां हो जाती हैं, तो जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम धूप में से आते हैं और उसके बाद तुरंत नहा लेते हैं, इससे भी घमौरियाँ बहुत तेज़ी से होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आपको घमौरियों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या चीज़ है जिससे हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। घमौरियों से छुटकारा पाने के लिए आप नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। घमौरियों से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ नीम की पत्तियाँ तोड़ लेनी हैं और उसे थोड़ा हल्का सा धुल लेना है, और उसके बाद एक पतीले में आपको पानी गर्म करना है और उसी पानी में नीम की पत्तियाँ डाल देना है, और पानी को तब तक आपको उबालना है जब तक नीम की पत्तियों का कलर पानी में ना आ जाए। तो उस पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। पानी उबालने के बाद उस पानी को छान लीजिए और उसके बाद उस पानी से आप स्नान करेंगे तो आपकी घमौरियाँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नीम की पत्तियों का स्नान आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। यदि आप लगातार दोनों टाइम इस नीम की पत्ती के पानी का प्रयोग करेंगे 2-3 दिन में आपको घमौरियों से छुटकारा मिल जाएगा। नीम की पत्तियों में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये घमौरियों को भगाने में बहुत ही फायदेमंद तरीका होगा, इसलिए घमौरियाँ होने पर नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से आप स्नान करिए, आप घमौरियों से बहुत जल्द छुटकारा पा जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।